नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर धरहा के YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं सुरेंद्र कुमार आपके लिए एसपीडी करेंट अफेयर जून 2021 का जो बुक है दोस्तों, उसी से आपको मैं कुछ न्यू अपडेट देने जा रहा हूँ इस वीडियो में। और पीडीएफ की बात रही, वीडियो के अंत में आपको मैं पीडीएफ के बारे में डिटेल से चर्चा कर दूंगा। जिनको भी पीडीएफ डाउनलोड करना होगा कर लीजिएगा, उसके बारे में डिटेल से तो दोस्तों आइए इस वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर का आपका क्वेश्चन दिया गया है, 1 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व दुग्ध दिवस 1 जून 2021 को। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 जून 2021 को TCS ने अपना पहला यूरोपीय नवाचार केंद्र कहाँ खोला है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में। अगला क्वेश्चन, 1 जून 2021 को उर्दू को आसानी से समझने के लिए रेखता फाउंडेशन ने किस शब्दकोश की रचना की? रेखता शब्दकोश की रचना की है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, 1 जून 2021 को भारतीय उद्योग परिसंघ CII का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? TV नरेंद्रन को बनाया गया CII का अध्यक्ष। अगला आपका क्वेश्चन है, 1 जून 2021 के सूचना अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट को वैज्ञानिक नाम से जाना जाने वाले नाम को अब किस शब्दों के आधार पर रखा जाएगा? ग्रीक शब्दों के आधार पर रखा जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, 1 जून 2021 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो बनाया गया जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जून 2021 को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है? JB महापात्र को। अगला आपका क्वेश्चन है, 2 जून 2021 को WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोरोना वायरस के दो वेरिएंट B.1.617.1 तथा B.1.617.2 को क्या नाम दिया है? दोस्तों, यहाँ जो आपको क्वेश्चन है यानी B1 मानिए और B2, B1 का नाम दिया गया आपका कप्पा, B2 का नाम दिया गया डेल्टा, इस चीज़ को याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जून 2021 के सूचना अनुसार विश्व स्वास्थ्य सभा ने 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है? तो विश्व NTD दिवस 30 जनवरी को मनाए जाने का जो निर्णय लिया गया है वो किसके रूप में? तो विश्व NTD दिवस। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 जून 2021 को किस देश ने रूस के साथ ओपन स्काई संधि में पुनः शामिल होने का फैसला किया है? ये आपको अमेरिका आंसर हो जाएगा, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 जून 2021 के सूचना अनुसार भारतीय संविधान सभा के अंतिम जीवित किस सदस्य का निधन हो गया? तो TM कल्याणन गौडेर का निधन हो गया, TM कल्याणन गौडेर का निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है, 2 जून 2021 को 31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? भारत चौथा स्थान और कजाकिस्तान पहला स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 जून 2021 को असम राइफल के महानिदेशक बने हैं, असम राइफल के महानिदेशक कौन बने हाल ही में? आंसर है आपका लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चंद्रन नायर। अगला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है कहता है, 3 जून 2021 को 20 श्याम को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? आइसलैंड गणराज्य में 20 श्याम को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, 3 जून 2021 को माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन कौन बने हैं? चीन के झांग होंग बने हैं जो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले एशियाई नेत्रहीन व्यक्ति हैं। 3 जून 2021 के सूचना अनुसार
भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर यानी एमबी टैग को किसने विकसित किया है? आईआईटी रोपर ने एमबी टैग को विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जून 2021 को भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बने हैं वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख बने हैं वाइस एडमिरल रवनीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, 3 जून 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व साइकिल दिवस, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जून 2021 के सूचना अनुसार CSIR ने पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नाम से नई तकनीकी की शुरुआत किया? तो स्वास्तिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 जून 2021 को इजराइल के राष्ट्रपति बने हैं इसाक हरगोज इजराइल के राष्ट्रपति नए बने हैं। अगला क्वेश्चन, 4 जून 2021 को जारी ICC महिला T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रही है? शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन आपका कहता है 4 जून 2021 को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो नितिन राकेश, जेरी बिंड, दो आदमी को दिया गया, नितिन राकेश और जेरी बिंड को। अगला क्वेश्चन, 4 जून 2021 को व्हाट्सएप ने किसको भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? बनाया है परेश बी लाल को बनाया है व्हाट्सएप यानी भारत का शिकायत अधिकारी। दोस्तों, पीडीएफ की बात रही, पीडीएफ आपको एक दो दिन के बाद आपको मिल जाएगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा। और एक चीज़ बता दूं, यदि इसका क्लिप आप पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए आपको मैं बता दूं आपको क्या करना है। सिंपली टाइप करना है लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर धरा, इसको आपको क्या करना है, गूगल पे जाके टाइप करना है, वहाँ देखिएगा एक साइट पे ये सारा पेज आपको अपडेट मिल जाएगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। वैसे आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ भी आपको ये सभी का क्लिप मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये मैं 3 आपको ऑप्शन बताया जहाँ से आपको PDF के साथ साथ इसका क्लिप भी आपको अपडेट मिल जाएगा। उस पेज को फॉलो कर दीजिएगा ताकि जो कुछ भी मैं अपडेट दूँ सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो आते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।